अमोलदीप भाटिया पिटाई प्रकरण में जो भी पूरा मामला है, अब उसको लेकर दवा व्यापारी काफी आंदोलित हो चुके हैं और अब ये आंदोलन उनका सड़कों पे आ गया है। आज दवा व्यापारियों ने यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरा दूर तक ये मानव श्रृंखला बनी हुई है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, जो दवा की जो रिटेल शॉप होती है उनका मार्केट है और उसी के ठीक सामने ये पूरी मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ पर वो सारे व्यापारी हैं जो कि लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनको अमोलदीप को इंसाफ चाहिए है। आपको क्या कहना है इस पूरे मामले? हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि हमारे दवा व्यापारी के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है, इसके लिए हम प्रशासन से और शासन से निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, दोषी की गिरफ्तारी हो और जो सच में इस प्रकरण का दोषी है उसको जो है सजा मिलनी चाहिए और हमारे दवा व्यापारी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर और भी दवा विक्रेता मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? तो ये कह रहे हैं कि इनको न्याय चाहिए है और दूसरे यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए ये पूरी मानव श्रृंखला बनी हुई है और इस मानव श्रृंखला में सभी दवा व्यापारी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? इनको इंसाफ चाहिए और प्रशासन अपना काम कर रहा है मगर अपराधी भागते हुए घूम रहे हैं और इसके बाद क्या एक्शन होगा? ये योगी जी से आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर? भाई कार्रवाई कीजिए, हम लोग इसीलिए इंसाफ के खड़े हुए हैं। किस तरह का इंसाफ चाहिए है आप लोगों को इस पूरे मामले में? चाहते हैं अमोलदीप को इंसाफ मिलना चाहिए बस, और कुछ लेकिन इंसाफ किस तरह से चाहिए है क्योंकि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, पुलिस लगातार गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। और क्या चाहिए आपको इस मामले? जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उनको पर कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे वो कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी और कार्रवाई होनी चाहिए। और भी यहाँ पर दवा विक्रेता मौजूद है, दवा व्यापारी मौजूद है। आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर? किस तरह का इंसाफ चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश के हमारे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री हैं और न्याय के कारण ही उनकी विजय हुई है और न्याय के कारण ही उनका नाम बुलडोजर बाबा पड़ा है, क्योंकि जो भी अपराधी हैं उनको वो सजा दिलाते हैं और जो सजा से वंचित रहते हैं उनको वो बुलडोजर चला के उनका नाश कर देते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से उनकी छवि बनी हुई है उसी में इस प्रकरण पे भी जो ये उनकी ही पार्टी के कुछ व्यक्तियों और गुंडों द्वारा हमारे दवा व्यापारी के साथ जो कृत्य किया गया उससे उनकी आँख चली गई, नाक की हड्डी टूट गई, एक पर्दा चला गया, उनको भी न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय के लिए आज हम सब लोग क्रमबद्ध तरीके से ये उनसे प्रार्थना कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आपके न्याय का डंडा फिर से चले और हम सब दवा व्यापारियों को न्याय मिले ताकि आपकी जो न्याय की छवि है ये पूरे देश में फैले। इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, पुलिस के भी काफी तेवर तेज हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े लोग हैं जैसे बड़े सांसद जो हैं उन्होंने भी आप लोग के फेवर की बात करी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। तो अब ये आंदोलन क्यों, क्या क्या मांगा? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हम लोग इसमें बस दो दिन का टाइम देंगे फिर अनिश्चितकालीन बंदी की तरफ हम लोग चले जाएंगे और पूरे यूपी में ये चीज फैल जाएगी, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है जल्द तो फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? हम लोगों का जो रुख है वो पूरा फिर उत्तर प्रदेश पूरा बंद हो जाएगा और उसकी वजह यह है कि इनको ये अन्याय ये कर दे रहे हैं, ये अन्याय हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, न्याय हमको चाहिए, न्याय बिल्कुल दे दे। तो यहाँ पर जो भी दवा व्यापारी हैं वो लगातार यहाँ पर न्याय की बात कर रहे हैं और इसीलिए ये पूरा यहाँ से मानव श्रृंखला बनी हुई है और यहाँ पर ये लगातार नारे भी लगा रहे हैं और नारे लगाने के साथ साथ अपनी मांग भी रख रहे हैं। उनकी अगर हम मांग की बात करें तो उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि यहाँ जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि अगर हम पुलिस की बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, 25,000 का इनाम भी आरोपियों के खिलाफ घोषित कर दिया है और इसके साथ ही साथ जब भाजपा के कार्यकर्ता यानी जो आरोपी पार्षद पति है उसके जो समर्थक है जब पुलिस के पास गए थे, पुलिस आयुक्त के पास गए थे तो वहां पर भी पुलिस आयुक्त कड़े तेवर दिखाते हुए कहा था कि गिरफ्तारी तो जरूर होगी। इसलिए अब इस पूरे मामले में दवा व्यापारियों को सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जल्दी से जल्द अमोलदीप भाटिया के जो भी दोषी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनका ये भी कहना है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया
तो वो अपना प्रतिष्ठान बंद कर देंगे और हड़ताल पे चले जाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।